सोमवार की शाम चौमुआ फ्लाईओवर पर मथुरा की तरफ से आ रहे ट्रक के आगे आवारा गौवंश आ जाने के कारण हादसा हो गया, जिससे ट्रक में आग लग गई और धू धू कर जलने लगा ट्रक। जानकारी के अनुसार ट्रक मथुरा की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहा था, जैसे ही वह चौमुआ फ्लाईओवर से नीचे उतरा, आगे गाय के आ जाने के कारण ट्रक चालक ने ओवरटेक करके गाय को बचाया तो साइड में चल रही मोटरसाइकिल में टक्कर लग गई, जिससे चलती मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे आ गई और चिंगारी उठने के कारण ट्रक व मोटरसाइकिल में आग लग गई, जिसके बाद ट्रक चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मोटरसाइकिल चालक भी साइड में गिर गया और आग को देखकर भाग खड़ा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ज्यांत पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद की ट्रैफिक को सर्विस रोड से हटाकर डाइवर्ट कराया गया। वहीं घटना स्थल पर एक घंटे की देरी से फायर ब्रिगेड पहुंची। मौके पर सीओ सदर रमेश तिवारी भी पहुंच गए। ट्रक में लगी आग की भयंकर लपटों को देखकर ग्रामीण भयभीत नजर आए। उन्हें डर था कि कहीं ट्रक की टंकी फटती है तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। चौमा से वॉइस फॉर नेशन के लिए संवाददाता सौरभ सिसोदिया की रिपोर्ट। आपस में मोटरसाइकिल आगे भिड़ गई थी, सुनो भैया, उससे ही मोटरसाइकिल पर विस्फोट हुआ, जिससे ट्रक में आग लग गई। धमाके में धमाके हो रहे हैं, यातायात रोक दिया गया है? नहीं, यातायात नहीं रोक दिया गया है। यातायात जो है ड्राइवर को नीचे से डाइवर्ट करा दिया गया है, सर्विस रोड का रूट चल रहा है। क्या घटना हुई? चौमुहा फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली की तरफ जाने पर एक मोटरसाइकिल ट्रक की चपेट में आ गई है। ट्रक पंजाब नंबर का है और चालक को दोनों बच गए हैं। जो मोटरसाइकिल चला रहा है वो भी बच गया है और जो ट्रक चला रहा था वो भी कूद के भाग गया है। गाड़ी में आग लग गई थी तो फायर टेंडर बुलाया गया है, सभी अधिकारी मौके पर हैं और आग बुझा ली गई है। इसको थोड़ी देर में गाड़ी को कोशिश करके हाइड्रा से इसको किनारे करा दिया। आग लगने के कारण क्या? मोटरसाइकिल की टंकी फट गई थी जिससे आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि गाय आ गई थी, गाय को बचाने चल रही है। गाय तो नहीं देखी गई है, मगर जो सामने हम लोग देख रहे हैं उसमें मोटरसाइकिल ट्रक की चपेट में आई है, जिससे उसकी टंकी पे आग लग गई है। आग ट्रक में पकड़ ली है, उसी में आग चल रही है। सोमवार की शाम राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर चौमुआ फ्लाईओवर पर एक गंभीर हादसा हो गया, जिसमें कि एक ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग पर टूटकर जमीन पर। कारण बताया जा रहा है कि ट्रक के आगे आवारा गोवंश आ गया था, जिसके चलते उसने ओवरटेक किया और उसके आगे बाइक वाले में टक्कर लग गई, जिसके चलते गंभीर चिंगारी उठी और बड़ा हादसा हो गया। हमारे साथ यहाँ पर कटक जैसी मौजूद है, आइए जानते हैं क्या घटना हुई। क्या नाम आपका? भूपेंद्र सिंह जी। आज यहाँ पर क्या घटना हुई है, क्या देखा आपने? मैंने देखा कि मतलब आगरा की तरफ से दिल्ली की तरफ ट्रक जा रहा था, रेड आग जा रही, अचानक से ट्रक में बाइक लगी और सब ट्रक में आग लग गई और भीषण आग लग गई। फिर मतलब एक गाय बचाने के चक्कर में हाई ब्रेक के जरिए संसद ट्रक के चालक परिचालक या बाइक सवार कहाँ रहे, क्या वो सब मौके से फरार हो गए, भाग गए यहाँ से, बच गए। यहाँ पर पुलिस कितनी देर रही है? पुलिस आ गई 10-15 मिनट पहुँचा आ गई। घटना के बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया या नहीं किया गया था? कितनी देर बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई? आ गई थी 25 मिनट के बाद यहाँ फायर ब्रिगेड गाड़ी आ गई थी। तो जो नई पुलिस रही थी उसने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया या फिर आग लगते हुए ही वहीं से बाहर जाते रहे? मैं डाइवर्ट किया। जैसा कि आपने देखा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यहाँ पर क्या घटना हुई थी, हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। चालक परिचालक घटना से भागने में सफल रहे, वहीं भीषण आग को देखकर बाइक चालक भी दूर भाग खड़ा हुआ। कैमरामैन गौरव सिसोदिया के साथ संवाददाता सौरभ सिसोदिया, वॉइस फॉर नेशन।